हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लें ताकि आप देख पाएं हमारे सारे वीडियो सबसे पहले। देश और दुनिया में कोरोना वायरस लगातार अपना कहर बरपा रहा है। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने और उसका सामना करने के लिए दुनिया भर में वैक्सीन की खोज पर काफी तेजी से काम चल रहा है। इस बीच रूस से एक अच्छी खबर सामने आई है। अब रूस के स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि उनकी भरोसेमंद वैक्सीन का ट्रायल पूरा हो चुका है। आपको बता दें कि ये वही वैक्सीन है जिसे गमालिया इंस्टीट्यूट ने बनाई है। इसके अलावा दो और कंपनियों ने क्लिनिकल ट्रायल करने की अनुमति मांगी है। गमालिया इंस्टीट्यूट की वैक्सीन को लेकर दावा किया गया था कि ये वैक्सीन 10 अगस्त या उससे पहले बाजार में आ जाएगी। रूस के स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुराशको ने कहा कि गमालिया की वैक्सीन का ट्रायल पूरा हो चुका है, अब उसके वैज्ञानिकों पर ये निर्भर करता है कि वो वैक्सीन को बाजार में कब लाते हैं। मॉस्को स्थित गमालिया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने पिछले महीने दावा किया था कि वो अगस्त के मध्य तक कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन को मंजूरी दे सकते हैं। यानी अगले 2 हफ्तों में रूस कोरोना वायरस की वैक्सीन बाजार में ला सकता है। गमालिया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों का दावा है कि इस वैक्सीन को आम जनता के इस्तेमाल के लिए 10 अगस्त तक मंजूरी दिलवा लेंगे, लेकिन वैक्सीन को सबसे पहले फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को दी जाएगी। हालांकि आपको बता दें कि रूस ने अभी तक वैक्सीन के ट्रायल का कोई डाटा जारी नहीं किया है, इसलिए इसके बारे में कोई भी टिप्पणी नहीं की जा सकती। कुछ लोग वैक्सीन के अधूरे ह्यूमन ट्रायल पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं रूसी वैज्ञानिकों का कहना है कि वैक्सीन जल्द तैयार कर ली गई है क्योंकि ये पहले से ही इस तरह की अन्य बीमारियों से लड़ने में सक्षम है। रूस के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि रूसी सैनिकों ने ह्यूमन ट्रायल यानी कि इंसानी परीक्षण में वॉलंटियर्स के रूप में काम किया है। दावा किया गया है कि परियोजना के निदेशक अलेक्जेंडर गिन्सबर्ग ने खुद ये वैक्सीन ली है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपका इस बारे में क्या विचार है, ये हमें नीचे दिए कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें जिससे हमें और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा।